अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आईएडीसी रिक पास का लेक्चर 3 है, रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट। कि जब भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट होगा या इंसिडेंट होगा, यहाँ पे इंसिडेंट नियर मिस को ही इंसिडेंट शुमार किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप इनकी डेफिनेशन में जाएं तो एक्सीडेंट ऐसा अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट होता है विच रिजल्ट इन एनी टाइप ऑफ हार्म और लॉस। जबकि जो इंसिडेंट को जो भी इवेंट जो अनप्लान्ड है अनडिजायर्ड है लेकिन विच डज नॉट रिजल्ट इन एनी हार्म और लॉस, तो उसको हम नियर मिस बोलेंगे। तो रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेशंस मौजूद हैं। जैसा कि एक रिनाउंड रेगुलेशन है जिसको पहले रिडोर 1995 के नाम से जाना जाता था, अब वो रिडोर 2013 के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये रिडोर एब्रीविएशन है रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेस डेंजरस अक्रेंसेस रेगुलेशन। अब इस रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स में होगा क्या, रिपोर्ट इंसिडेंट्स एंड नियर मिसेस, ये बाउंड कर रहा है कि आपने एक्सीडेंट और नियर मिस को लाजमी रिपोर्ट करना है। एक्सीडेंट से रिपोर्ट करने का तो समझ आता है, नियर मिस हेल्थ एंड सेफ्टी में याद रखिएगा एक्सीडेंट से ज्यादा नियर मिस की रिपोर्टिंग हमारे लिए ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि नियर मिस में हमें कोई हादसा पेश नहीं आया, इसलिए नियर मिस के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि हम चीजों को दुरुस्त कर सकें। ऑल एक्सीडेंट्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, हर नोयत का बड़ा या छोटी नोयत का इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो अलग बात है कि मैनेजमेंट एक लेवल रखेगी कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन के लिए किस तरह के लोग दरकार होंगे। फॉर एग्जांपल कैजुअल्टी होने की सूरत में टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, और अगर एलटीआई लॉस्ट टाइम इंजरी हुई है तो ऐसी सूरत में नीचे सुपरवाइजर ही इनफ होगा। इंजरीज डैमेज इक्विपमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड, जितने भी लोग उससे मुतासिर हुए जख्मी हुए इक्विपमेंट का क्या लॉस हुआ वो सब का सब हम उसके अंदर डिस्कस रिपोर्ट करेंगे। आगे जो इसके अंदर चीज है वो क्या है, रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट में वो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस आर कंडक्टेड टू डिटरमिन द कॉजेटिव फैक्टर फॉर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इसलिए मेयर किया जाता है, एक्सीडेंट इसलिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि हमें ये बात बता चल सके कि इस एक्सीडेंट के होने के मुरक्कात क्या हैं, क्या वजूहात हैं, क्या अनासिर इसके होने का सबब बने हैं। इसी तरह इंसिडेंट भी इन्वेस्टिगेट करने का मकसद ये होता है कि क्या चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है, ताकि हम उन चीजों को फाइंड आउट करने के बाद उनकी दुरुस्तगी करें, ताकि इन फ्यूचर हमें दोबारा एक्सीडेंट या इंसिडेंट से सामना ना करना पड़े। वर्कर्स प्ले अ की रोल इन हेल्पिंग द सेफ्टी ऑफिसर फाइंड दोज कॉजेटिव फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर ही जो उसको मावनत मिलेगी वर्कर्स की तरफ से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि वर्कर्स हमेशा इन एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स के विटनेसेस होते हैं, एनी शाहिदीन होते हैं। तो वो अगर बात दुरुस्तगी से सेफ्टी ऑफिसर या जो भी इस कॉज को फाइंड आउट कर रहा है, सेफ्टी मैनेजर सेफ्टी एडवाइजर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, तो उसमें जितना ज्यादा वर्कर का इनपुट होगा उतनी ही वो इन्वेस्टिगेशन बेहतर तस्वर की जाएगी। आगे जी हमारे पास आता है
इसके अंदर लैंड ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में याद रखिएगा कि हमेशा जो ऑपरेटर आपका उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसका ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान इस्तेमाल होने वाली किसी भी व्हीकल का जो ड्राइवर है, जो ऑपरेटर है, ही शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस। तो उसके पास पहली बात यह कि उसके पास वैलिड लाइसेंस हो। उसके अलावा जो आप व्हीकल यूज कर रहे हैं वो उसकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो व्हीकल भी लाइसेंस्ड होनी चाहिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है प्री ट्रिप प्लानिंग। आपने जाने से पहले, सफर से पहले, का आपने ट्रैवल करने से पहले प्लानिंग कर लेनी है कि आपने किस जगह ब्रेक करनी है, कितनी जगह पे आप ब्रेक करेंगे, किस किस टाइम तक आपने इसको चलाना है, कौन से आपकी ट्रैवलिंग के दौरान रोड्स के ऊपर बिजी आवर्स आ सकते हैं, उनको आपने कैसे अवॉइड करना है, और आपने मंजिल तक कब तक पहुंचना है। व्हीकल मेंटेनेंस लाजमी चीज, सिक्योर लोड। और सिक्योर लोड क्या होगा कि अगर आप ऐसा लोड, बल्कि लोड लेके जा रहे हैं जो छोटे छोटे बॉक्सेस में या इस तरह से बैग्स में है, तो उसका व्हीकल की स्पीड या किसी और फैक्टर की वजह से भी, जैसे आप वीट की, गंदम की बोरियों का पूरा आप ट्रेला लेके जा रहे हैं, तो अगर बारिश लग जाती है तमाम गंदम भीगने की सूरत में आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए सिक्योर करने के लिए पहली तो चीज ये है कि लोड को अच्छे तरीके से बांधा गया हो। दूसरी बात, अगर जरूरत पड़ने पर उसको उसकी शीटिंग की जाए। शीटिंग करने का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर कवर डाल दिया जाए ताकि बारिश या दूसरे मौसमी असरात उसके ऊपर हावी ना आए। प्रॉपर टूल्स टू ऑफ लोड, और उसको लोड को उतारने के लिए प्रॉपर टूल्स यूज हों, जहां तक मुमकिन हो मैकेनिकली आप उसको हैंडल करें ताकि मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड किया जाए ऐसी एक्टिविटीज के अंदर। यहां पे हमारे पास आता है ओबे द ड्राइविंग रूल्स। तो अंडरस्टूड है, चाहे वर्कप्लेस के अंदर है, चाहे वर्कप्लेस के बाहर है। किसी फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कप्लेस के अंदर एक जो उनका एरिया है उसके अंदर ड्राइविंग कर रहा है, या उसके बाहर कहीं पे भी जनरल रोड्स के ऊपर, आम रोड्स के ऊपर वो ड्राइविंग कर रहा है, तो दोनों सूरतों में वो रूल्स को फॉलो करेगा, रूल्स को डिसोबे नहीं करेगा। ये जो हमारा टॉपिक था रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स था। अगला टॉपिक जो इसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे वो होगा पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव यूज इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।